तो क्या आज पुतले बनने वाले यहाँ पे ठंडे से बस। ताड़िका का बदला थाड़ा बाजार पहुँच चुका है, बाकी अभी कोई नहीं पहुँचा यहाँ। देखो मैं फोन कर रही हूँ, इनको पता लग गया होगा रक्षित को। तो रक्षित क्या उड़ा के ले आएगा वो हाथ में ऐसे करके? अरे वो तो है ना, मैं कह रही हूँ उनको पता लग गया था कि मैं फोन कर रही हूँ। तो इस बार पुतले ये जूलॉजी ग्राउंड में जल रहे हैं ना कि स्टेडियम में, तो हम वहाँ वेट कर रहे हैं अभी कोई पुतला आ जाए और जल जाए। अगर नहीं होंगे तो इसी अल्मोड़ा स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और यही पे पुतला दहन होगा, क्योंकि आपकी पीड़ा दसरा महोत्सव की पीड़ा है, क्योंकि दसरा महोत्सव आपके द्वारा है ना कि हमारे द्वारा। इसको विश्व पटल पे अगर दसरा महोत्सव अल्मोड़ा इस विश्व पटल पे है तो यह आप दर्शक दीर्घा के अथक प्रयासों से है, और आप जैसी जुड़ी दर्शक दीर्घा इसको इतना प्रोत्साहित नहीं करती तो शायद ही अल्मोड़ा दसरा महोत्सव तो हमको 8:30 से 9 बज गए यहाँ पे। अभी क्यों लेना जरूरी था, मैंने तो बड़ा मुंह खोल के तभी ले रहे ब्लॉग कर। आधा घंटा हो गया हमको इंतजार करते करते, पुतला एक भी नहीं आया। तो क्या आज पुतले बनने वाले यहाँ पे ठंडे से बस? हाँ जम के। तो क्या आपको क्या लगता है, पुतले आज आ पाएंगे या नहीं? इसके लिए देखने, इसको देखने के लिए आगे हमारे साथ बने रहिए CID के अगले एपिसोड तक। फाइनली ताड़िका का पुतला पहुंच गया। इंतजार खत्म हो गया मन्नत तुम्हारा? इसी का करोगी? ठुमक ठुमक क्या रही, ठुमक ठुमक के चलती वाला गाना गा। तो ताड़िका का पुतला हाजिर है जलने के लिए। तो ताड़िका का पुतला यहाँ पहुँच चुका है, हमारे समक्ष इस पतंगड़ में आ चुके हैं ताड़िका का पुतला। इतने साल हो गए और पहली बार मैं ताड़िका के पुतले को जलते हुए देखूंगा। जब तक हमारे रावण का पुतला आता था उससे पहले ताड़िका जल के वापस पहुंच जाती थी। और ढोल नगाड़े पहुंच चुके हैं पतंगण में, प्रांगण में, सॉरी पतंगण में। लड़की दो शादी थी और उसके बताओ मेरे को, तो आज पता चला कि उसकी दूसरी शादी करके हमारे सम्मुख पहुंच चुका, हमारे सम्मुख बिल्कुल मुझे सामने। अतिकाय का, अतिकाय का पुतला तो जलने लग गया है बेचारा, बैठे बैठे ही जला दिया। और अब ताड़िका की बारी जलने की, और भीड़ आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा है। एक यह है मकड़ा सुर, कौन सा मकड़ा सुर? मकड़ा सुर लिखा है खाली। और ताड़ी का दहन समाप्त, ताड़ी का जल्दी मर जाती है ना। ताड़िका का पुतला पहुंचा, उसके बाद अतिकाय का पुतला पहुंचा। लाइट बहुत कम है इसकी वजह से हम दिखाई नहीं दे रहे। मकड़ा सुर का पुतला गेट के पास जाने का कोई फायदा नहीं, इतनी ज्यादा भीड़ है कि वीडियो बन भी नहीं पाएगी। मकड़ा सुर के सभी ये कन्हैया को भेज देना वीडियो, लड़कों के साथ ऐसे घूम रहे जैसे लड़की के साथ घूम रहा हो। सारे फल बिक गए कहने से। तो हम और क्लोज आ गए पुतलों के। हाँ दिख रही हूँ, आ जाओ चलो।
चलो आपको इनको चलने देते फिर चलते। तो खैर भी जल चुका है यहाँ को, इसके सर से खरखराहट निकल गई। ये खर का पुतला यहाँ है, पहले उसने खर जलवा दिया है ना, खर तुमने पहले जलवा दिया यहाँ कर। ये है मकरासुर, मनु ने सारे पुतले देखे हैं, तो मैं इससे पूछ रहा हूँ ये वाला कौन सा पुतला है। सब 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 बाजार से देख के आई है, कौन सा मनु? ये लग रहा मेघनाथ में, या देवान तक हो गया या मेघनाथ हो गया, क्या है देवान तक या मेघनाथ में से दोनों में से एक होगा, क्योंकि इसका फेस वैसे ही लग रहा। ये रहा नंददेव का एक और पुतला अहिरावण, अहिरावण आ गया, लेकिन रावण का कहीं आया था पता नहीं है। अहिरावण खड़ा होके आया था, और इसकी बैक स्टोरी है कि ये अब बैठ चुका है, रास्ते में ही गिर गया था। पीछे दीवार पे पुतले के साथ जुड़े हुए हैं, सारे पुतले खड़े हुए को हमारे बस रावण का बेटे समिति की तरफ से इसी मैदान में। तुम्हारा रावण नहीं आया अभी तक, विवाद उत्पन्न हो आगे ऊपर से। हाँ राम जी भगा भाग ला रहे, कह रहे चल साले तुम गांव के मार चल चल, पीछे से राम जी भाग ला रहे से आगे का दहन कर रहे, चमकाते हुए क्या आ रहे हैं देख लो। लाल की जय, जो अगला पुतला आ रहा है वो भाई और बाज है, वो पुतला भाई और बाज है पैनल के मेरा मनुष्य का पुतला। अब आया ना मजा, लाइट आ रही वहां से देखो। हाँ चलिए अभी सब बंद कर रहा है यार, अपनी शक्ल दिखा लो करूंगा कि समस्त पुतला समिति के स्वागत के लिए जो ना आने से स्वागत करे समस्त टीम ने दर्शक के लिए स्वागत करूंगा। हिलता डुलता रावण पहुंच गया फाइनली लक के सर। ये आकर्षक और भव्य जगह दर्शन दीजिए के सामने भगवान श्री राम रावण को तीर मारते हुए, ये भव्य और आकर्षक जगह दर्शन दीजिए के सामने, ये मनमोहक दृश्य और ये अद्भुत और ये दिल को मोहने वाला और ये शुभ दृश्य मन्नू के साथ में तो सारे पुतले जल के दहन हो चुके हैं, बस एक रावण बचा है जिसके अभी कपड़े भी नहीं उतारे गए हैं। और जल्दी जल्दी करो लग आराम आया भी तो लेट में हो बहुत ही। चलो भी चलो हिटो घर को चलते हो। अरे रुको रावण को फूक गरज में, रावण का अभी तैयार होने में टाइम है यार उसके, कपड़े भी फूक दिया लोगों जरा देर आई पहले आई वो उसको उठाते ना, उठो वीर कुंभकर्ण को, अब रावण को उठा रहे चलो उठो वीर लड़ाई करो तुमसे, और ये चट्टी उतर गई लुंगी उतर गई बड़े बजा रहे सर बिंदो ये रावण हाय मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, कह रहा पर आंख भी ढक दी बेचारे ने
लुंगी उतर गई, लुंगी तो ना वो उतर गई लुंगी उसकी, नहाने जा रहा था बेचारा, नाभी में चला दी आग, जा रहा हमने तीर मारा था उसका था। भेद यार। तो भेदी मैंने निकाल भेज जल गया वो सब आगे जाके सब देख रहे चलो फाइनली चल गया राउंड का मतलब। चलो यार अब जल्दी तो क्या विशाली तो है यार ज्यादा नहीं सक लिया। हेलो 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 गाइस आपको देखने आया था विशाल देख के वहां से वो रक्षित कहां है अभी उसका पुतला नहीं चला गया उसकी अस्थि इकट्ठा कर रहे हो तो यहाँ का दशहरा महोत्सव भी खत्म हो चुका है अब रावण ने फूको रावण हावड़ सब जल गया। हाँ जी तो हम पहुंच चुके हैं घर और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा हमारा तो चलिए मिलते हैं आपसे आने वाले कल के नेक्स्ट ब्लॉग पे और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल बहुत अच्छे लगते हैं तो हमें कमेंट भी कीजिए ढेर सारे और कोई कमेंट आपके लाइक है बताइए कि आप लोग हमसे कितना प्यार करते हैं कितना सपोर्ट करते हैं। तो आज के ब्लॉग को करते हैं समाप्त मिलते हैं आपसे आने वाले कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम एंड बाय बाय।